तुम क्या आवाज थोड़ा कम कर सकती हो क्या क्या किसी और कमरे में जाकर खेलो? देखो मेरी प्राणी शास्त्र की परीक्षा है सोमवार को और मुझे पढ़ना है जीव शास्त्र क्या है प्राणी शास्त्र अर्थात बायोलॉजी ये एक प्रकार का विज्ञान है प्राणी शास्त्र जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं ये मूलतः ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से बना है जिसमें बायोस का अर्थ है जीवन और लॉजिया इसका अर्थ है अध्ययन की शाखा यदि विस्तार से कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्राणी शास्त्र वस्तुओं के अध्ययन की एक शाखा है अरे अगले हफ्ते हमारे अध्यापक हमें सजीवों के बारे में पढ़ाने वाले हैं। क्या सजीव वस्तुओं के बारे में आप मुझे थोड़ा और बताएंगी ओह क्यों नहीं अनविता? लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या सजीव क्या होते हैं हाँ एक प्रकार से जानकारी है जैसे आप मैं हमारे माँ पिताजी हमारे पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त सभी सजीव हैं लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सजीव वस्तु में ऐसी कौन सी विशेषता है जो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है तो सच में तुम्हें सजीवों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है हम मतलब हम सभी मानव सजीव हैं और हमारा समूह बिल्कुल छोटे सजीवों का समूह है वैसे ही हमारे आसपास हमें दिखने वाले सभी प्राणी सभी वनस्पति पौधे सजीव है वैसे जिन्हें हम देख नहीं सकते ऐसे हवा पानी और मिट्टी में रहने वाले सभी सूक्ष्म जीव भी सजीव हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी जीव फिर वो कितने बड़े हो या छोटे हो, सारे सजीव हैं अच्छा इसका अर्थ ऐसा है कि प्राकृतिक तरीके से अस्तित्व में होने वाली सभी सजीव हैं मानव निर्मित सभी निर्जीव है आ, ये कहना योग्य नहीं होगा अनविता सारी मानव निर्मित वस्तुएं जैसे कपड़े घर इमारत फर्नीचर बर्तन पुस्तकें गहने इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सारी निर्जीव हैं। वैसे ही प्राकृतिक तरीके से अस्तित्व में आए पत्थर चट्टान मिट्टी रेत पर्वत, ज्वालामुखी बर्फ नदियाँ समुद्र महासागर वायु हवा बादल खनिज पानी सूरज चांद तारे और सूर्य प्रकाश ये भी सारी बातें निर्जीव हैं। इसीलिए ये कहना अधिक उचित होगा कि प्रकृति में मौजूद सारे सजीव हैं और निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव निर्मित भी ठीक है समझ में आ गया लेकिन कोई वस्तु सजीव है या फिर कोई निर्जीव है या सिर्फ उसे देख कर या निरीक्षण करके कैसे पता चलेगा वैसे तो ये काफ़ी आसान है सभी सजीवों की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो निर्जीव वस्तुओं में नहीं दिखाई देती जब जब हम किसी का निरीक्षण करते हैं तब ये विशेषताएं उस वस्तु में है या नहीं इस बात की जांच कर सकते हैं और बाद में वे वस्तुएं सजीव अथवा निर्जीव है इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये अच्छा है क्या आप मुझे बताएंगे कि सजीव वस्तु में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जो निर्जीव वस्तु में नहीं होती हां क्यों नहीं सजीव प्राणियों में सबसे सहजता से दिखने वाला लक्षण है वृद्धि अर्थात बढ़ना अपने आसपास अगर हम देखें तो पाएंगे कि सिर्फ सजीव वस्तुएं ही वृद्धि के लिए सक्षम रहती हैं। वृद्धि हो रही है ये कैसे पता चलेगा अगर आसान शब्दों में कहें तो भौतिक द्रव्यों में विस्तार ही वृद्धि है ठीक है जब जीव के शरीर में द्रव प्रमाण बढ़ता है तब हम कहते हैं कि सजीव वस्तु में वृद्धि हुई है तो वस्तु के आकार और वजन में वृद्धि के निरीक्षण द्वारा हम इसके बारे में जान सकते हैं जैसे अंडे से बाहर आने वाला मुर्गी का चूजा इतना छोटा होता है कि आसानी से हम उसे अपने हथेली पर रख सकते हैं कुछ सप्ताहों के बाद वह बड़ा हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है उसी प्रकार जब कोई पेड़ बढ़ता है, तब हम अनेक टहनिया पत्ते फूल और फल देख सकते हैं आप जब तीन साल के थे तब से माँ आपकी लंबाई नापती है हमारे शयन कक्ष के दरवाजे के चौखट पर उन्होंने साल दर साल जो निशान बनाए ना उन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं और हर साल ये निशान जमीन से ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं तो बताओ ये निशान हमें क्या बताते हैं हाँ ये सच है पिछले सारगिरा पर जो निशान किया था ना वो निशान आपके निशान के बहुत नज़दीक है मेरी लंबाई बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है और मैं बहुत जल्दी आपसे भी ऊंची होने वाली हूँ <laughs> देखते हैं लेकिन अब आप जान गए हो कि लंबाई में होने वाली बढ़ोतरी को नापना यह एक तरीका है जिससे हम किसी भी जीव की वृद्धि को नाप सकते हैं और उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं वैसे ही हमारे जन्म से हमारे शरीर का वज़न भी बढ़ता है जन्म के समय हमारा वज़न लगभग तीन किलोग्राम होता है और अब हमारा वज़न उससे दस गुना ज़्यादा हो जाता है ये सिर्फ़ हमारे बारे में नहीं तो प्राणियों के बारे में वनस्पतियों के बारे में सभी के बारे में सच है हमारे बरामदे में लगाई हुई तुलसी और मनी प्लांट पिछले एक साल में बहुत बढ़ गया है साथ ही हमारी सोसाइटी के बगीचे में लगाए हुए पेड़ भी बढ़ गए हैं क्या तुम्हें याद है राज अंकल का पालतू कुत्ता जूटो वो एक छोटा सा बच्चा था जिसे हम अपने हाथों में उठा सकते थे लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया है कि हमारी गोद में भी नहीं बैठ सकता लेकिन उसी समय अन्य वस्तुएं जैसे हमारा घर या इमारतें सोफा सेट डाइनिंग टेबल अलमारी कुर्सियाँ आदि के आकार में या फिर वजन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है हाँ समझ में तो आ गया लेकिन मुझे एक शंका है आपने कहा कि नदियाँ और तालाब प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं हैं और हर साल हम नदियों के और तालाब के पानी के स्तर को बढ़ता देखते हैं बारिश के दिनों में बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है तो क्या तालाब और नदियों के पानी का बढ़ता स्तर वृद्धि को नहीं दर्शाता? नहीं ऐसा नहीं है देखो प्राकृतिक जलाशय जैसे तालाब है या फिर समुद्र है इसमें जो पानी की मात्रा बढ़ती है उसे हम पानी की वृद्धि नहीं कह सकते ये जो होता है इसका बाह्य कारण होते हैं जैसे बारिश या फिर बर्फ के पिघलने के कारण उसमें पानी की मात्रा बढ़ती है वैसे पानी के स्तर में जो वृद्धि हुई है वह हमेशा के लिए नहीं हुई है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इन जलाशयों में भी पानी का स्तर बढ़ता है या फिर कम भी हो सकता है वही दूसरी ओर प्राणियों के मामले में दिखने वाली वृद्धि आंतरिक और चिरकालिक घटना है कहने का तात्पर्य यह है कि सजीवों के भौतिक द्रव्यों में होने वाली वृद्धि ये उनके आंतरिक गतिविधियों के कारण होती है बाह्य प्रक्रियाओं के कारण नहीं वैसे ही जीवों द्वारा प्राप्त वृद्धि सामान्य परिस्थिति में अपने आप घट नहीं सकती जैसे बचपन से लेकर आज तक हमें जो वृद्धि हुई है उसके पीछे कारण है जो अन्न हम खाते हैं उस पर जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसके पोषक तत्वों के कारण हमारी लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देती है ऐसा नहीं होता है कि अन्न पदार्थ सिर्फ बाहरी रूप से हमें वृद्धि करते हैं जैसे हमारी त्वचा या फिर हमारी हड्डियों में बाह्य रूप से होने वाली वृद्धि या कुछ दिनों के लिए खाना बंद ही कर दिया तो हमारी ऊंचाई कम हो जाएगी या फिर हमारा शरीर बिल्कुल सिकुड़ इतना छोटा हो जाए जितना हम जन्म के समय थे हमारी वृद्धि स्थायी और अपरिवर्तनशील है जैसे अन्य सजीवों के लिए होती है हाँ अब मुझे समझ में आया मैं सजीव प्राणियों की एक ऐसी विशेषता बता सकती हूँ जो निर्जीव वस्तु में नहीं दिखाई देती अच्छा क्या है वो सजीव बढ़ने के लिए अन्न खाते हैं और निर्जीव वस्तुएं कुछ नहीं खाती ये अच्छा विचार है लेकिन क्या कभी आपने पेड़ पौधों को अन्न खाते हुए देखा है पेड़ पौधों को सजीव कैसे कह सकते हैं उनमें वृद्धि तो दिखाई देती है लेकिन हमारी तरह वे अन्न ग्रहण या भोजन नहीं करते ओ आप तो मुझे उलझन में डाल रही हो अरे उलझन की कोई बात नहीं है ये तो सच है कि वृक्ष अन्न ग्रहण नहीं करते लेकिन ये भी सच है कि वे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना अन्न स्वयं तैयार करते हैं इन पेड़ पौधों द्वारा तैयार किया यह अन्न सिर्फ उनकी वृद्धि के लिए और विकास के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता वरन खुद का भोजन तैयार करने वाले सभी सजीव प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अन्न स्रोत के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं उदाहरण के लिए भेड़ बकरियां, घोड़े खरगोश मधुमक्खी तोता आदि पेड़ पौधों का उपयोग अन्न के लिए करते हैं और फिर भेड़िया सिंह शेर सांप मगरमच्छ गरुड़ आदि प्राणी वनस्पति का सीधा उपयोग अन्न के रूप में नहीं करते लेकिन ये प्राणी भेड़ बकरियाँ हिरण खरगोश चूहा आदि प्राणियों को आहार के रूप में खाते हैं इसीलिए ये समझना आवश्यक है कि प्राणी वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के साथ साथ सजीवों को अन्न की आवश्यकता होती है जिसके कारण उनका पालन पोषण होता है और ये अन्न उनकी वृद्धि और विकास का आधार बनता है निर्जीव वस्तुओं को पोषण तथा अन्न स्रोत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे खुद के तालमेल से नहीं बढ़ते अब कोई उलझन नहीं सजीव वस्तुओं में दिखाई देने वाली दो तो मूलभूत विशेषताएं हैं वृद्धि की क्षमता और पोषण करने के लिए अन्न का उपयोग ये विशेषताएं निर्जीव वस्तुओं में नहीं दिखाई देती क्या आप मुझे सजीव और निर्जीव वस्तुओं में फर्क करने के लिए कोई और विशेषताएं भी बता सकती हैं हाँ जरूर लेकिन अभी मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है हम सोमवार को इस बारे में बात करेंगे ठीक है दीदी अब मैं अगले हफ्ते में कक्षा में ये पाठ सिखाने से पहले पूरा पढ़ लेती हूँ सारांश इस सत्र में हमने जीव सृष्टि के बारे में निम्नलिखित संकल्पनाओं को समझा सजीवों का अध्ययन जिस शास्त्र द्वारा होता है उसे जीवशास्त्र या प्राणीशास्त्र कहते हैं सजीवों को जीव भी कहते हैं इनमें सभी सूक्ष्म जीव वनस्पति और प्राणियों का समावेश होता है सजीवों की अनेक गुण विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और इस कारण हम सजीव और निर्जीव में आसानी से अंतर कर पाते हैं सजीवों में वृद्धि ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामान्यतः सजीवों में वृद्धि का अर्थ वजन और आकार में वृद्धि होता है ये पोषण अन्न के माध्यम से होता है इसी तरह हम कह सकते हैं कि सभी सजीवों की वृद्धि के लिए अन्न की आवश्यकता होती है वृद्धि संज्ञा का स्पष्टीकरण कीजिए और बताइए कि जीव की वृद्धि का मापन किस प्रकार करेंगे प्रकाश संश्लेषण ये संकल्पना स्पष्ट कीजिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधों द्वारा कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है वनस्पतियों का प्रत्यक्ष अन्य के रूप में उपयोग करने वाले प्राणियों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है अपने आसपास ऐसे दस सजीवों को पहचानिए जो आकार में पाँच सेंटीमीटर से कम हैं अपने आसपास की दस निर्जीव वस्तुएं पहचानिए जो आकार में पाँच सेंटीमीटर से कम है अपने आसपास के परिसर के दस ऐसे सजीवों की पहचान कीजिए जो पाँच फुट से अधिक हो अपने आसपास की दस निर्जीव वस्तुओं की पहचान कीजिए जिनका आकार पाँच फुट से कम हो